है इतना सब कुछ बांटते हैं कोई ऐसी धमकी या कोई ऐसा वारदात मैं जा रहा था लंदन कराची से वो वहाँ दो डाले लेके आया उन्होंने आगे मुझे नापका लिया वहाँ पे और उन्होंने मेरी वहां पे जबरदस्ती वीडियो बनवाई अपना गन पॉइंट पे वादा करो कि वो वीडियो तुम्हारा दोस्त का भी रिलीज नहीं करेगा नानी वाला ये क्या है नाम कैसे पड़ गया ये कोई आपके पीछे से कास्ट है या क्या है उन दिनों मैंने पहली गाड़ी ली थी होंडा सिविक गाड़ी की खुशी में मैंने मैंने कहा सबसे पहले ट्रेट जो है ना अपनी नानी को दे नानी को मैंने पीछे बैठाया तो नानी को मैंने सीट बेल्ट लगा दी तो नानी के ऐसी शुगर में मेरी सिस्टर ने एक वीडियो बना दी नानी ने कहा कि इन ला सीट बेल्ट ने जिड़िया दो नंबर कुड़ियां कुड़ी दिया ने तो ये वाली वीडियो ऐसी मेरा टिकटॉक चैनल था उसपे मैंने अपलोड कर दी मैं सुबह उठा तीन चार लाख ऊपर आ गए मैं बागता नाने के पास गया मैंने कहा नानी ये मौका नहीं हमने छोड़ना जेल का एक्सपीरियंस कैसा हूँ नाजिर अली आईफोन देते हैं ये सबको कोई गोरा हो या काला इतनी दौलत कहाँ से आई नदीम नानी वाला वाले इतनी दौलत कहा से आई नदी वाला भाई देख लेना नादर भाई बस आ गई है <laughs> नहीं आ हाँ गई है तो बताइए आपको हम देखते हैं ये बांट दिया ये बांट दिया मोबाइल बांट दिया तो भाई दौलत आई है माशाल्लाह ई कॉमर्स से ई कॉमर्स ई कॉमर्स से अच्छा आपको पता है कि जब मैं आज से दस साल पहले यूके गया था तो मेरे पास सिर्फ तीन सौ बीस पाउंड थे यूके यूके में तीन सौ बीस पाउंड लेके यूके एक यंग खूबसूरत चीकू बच्चा बहुत बड़े सपने लेके गया और वहां जाके तीन सौ बीस मिलियन का मालिक हो गया डॉलर डॉलर गल होली रखो <laughs> ए क्या मैंने कहा तीन सौ बीस मिलियन <laughs> पाउंड नहीं तो भाई आपने ज्यादा बोल दिया तीन सौ कर ले तीन सौ कर लें तो सोर्स ऑफ इनकम का मैं पूछना सबसे सबसे पहले भाई सबसे पहले भाई मैंने स्टार्ट किया था हाँ। बताए उसकी मैंने नोकिया... से है। क्या सैलरी उसमें उस मिलते थे मुझे पच्चीस पाउंड ये मैं आपको बात बता रहा हूँ पच्चीस पाउंड और मेरे काम था मैंने सुबह आठ से लेकर रात बारह बजे तक सही तो ट्रैवलिंग में सिर्फ तीन घंटे में सौ पता था और तब नया नया सिस्टम जो ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था ईबे बे ईबे तो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि लोग ईबे पे कुछ चीज़ें बेचने लगे थे तो मैंने सबसे पहला एक फ़ोन था मेरे पास अपना ही नोकिया सिक्सटी थ्री हंड्रेड तिरसठ सौ नौ तिरसठ सौ तो वैंने बेचा तकरीबन अट्ठतीस या थर्टी पाउंड का वो मैंने ऐसे लिस्ट किया फ़ोन तो वो बिक गया सेम डे तो मुझे बड़ी खुशी है। मैंने कहा कि अगर ये फ़ोन बिक सकता है तो दूसरी चीज़ें भी बिक सकती हैं तो इसी तरह फिर मैंने मैं मोबाइल फ़ोन शॉप में काम करता था तो वहीं से मैंने जो है ना फ़ोन बेचने शुरू कर दिए सही है अपने बोस के तो वो फीडबैक अच्छी आने लगी काम शाम चलने लगा तो मैंने कहा कि बोस के फ़ोन क्यों बेचूँ पच्चीस ही मिलने हैं दो तो लेट सीखिए मैं खुद करूँ तो मैंने फिर खुद फ़ोन बेचने शुरू किए तो फिर ई बे पे माशा मैं एक टॉप रेटेड सेलर बना और तो मेरी काफ़ी फीडबैक्स आई उससे फिर मैंने अपना बिजनेस को मॉडल को अमेजोन पर डेवलप किया फिर वहां से आप एमेजन एमेजन से पे पे हो मैंने स्टोर बना लिया तो वहाँ से कहाँ कितनी कर ली थी पहले साल में तकरीब तो मैंने आप कह सकते हैं कि तीन लाख डॉलर मैंने प्रॉफिट की थी ये बात बता रहा हूँ तो बस वहाँ पे माशा फिर आई उस वक्त फोर्टीन फिफ्टीन के अंदर अंदर एक आईफोन आई फोन फाइव सी रिलीज़ हुआ था सही है। उससे मैंने बड़ा पैसा कमाया माशाल्लाह, चाइना से मैंने सप्लाई लिया तो वहाँ से फिर अपना एक स्टोर भी बनाया शॉपिफाई पे, से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आई ठीक है तो फिर माशाल्लाह फिर हम चलते गए चलते गए चलते गए इतना किया कितना किया कि थक गए कमाते 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 वाह माशा फिर अंडरग्राउंड करके चीज़ों का

लेकिन जो कर रहे हैं जैसे मैंने किया है मैं भी पाकिस्तान में अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ तो आप अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अमेज़न भी, भी नहीं है आई बी पे नहीं है तो लोग पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर इसको काम करते हैं बैठ के या यू के अंदर काम करते हैं कैनाडा के अंदर तो पाकिस्तान में जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो आप एक स्टोर डेवलप कर सकते हैं छापेफाई के ऊपर ठीक है तो आप प्रोडक्ट्स लें अपना लोकल प्रोडक्ट्स लें जैसे आप लाहौर में हैं या कराची में है तो लोकल मार्केट से चीज़ें उठाएं सही है तो उनको आप लिस्ट करें उनके आप एड्स लगाएं अगर तो आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं तो उनको यूटिलाइज करें अगर नहीं है तो फिर आप एड्स को यूज करें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पेज बनाएं तो 2024 का रेवेन्यू क्या रहा दो हज़ार चौबीस का रेवेन्यू तो बहुत स्ट्रॉग है तो दो हज़ार चौबीस का अप्रोसी पहले मेरी जितनी भी समझ लें कि इन्वेस्टमेंट होती थी वो होती थी प्रॉपिटी के अंदर सही ठीक है तो दो हजार चौबीस की अर्निंग से के, कुछ हिस्सा जो है ना वो मैंने गाड़ियों में लगा दिया गाड़ियों में गाड़ियों में दो हजार चौबीस तेईस के मिट्ट लेकर ना काफी मैंने हिस्सा थोड़ा सा मैंने गाड़ियों को लगा दी मैंने कहा गाड़िया भी जरा गाड़ियां भी आपने ऐसी बड़ी बड़ी ले ली पाँच पाँच छ करोड़ रुपए वाली ऑडी ले ली डकी ने एक ली थी आपने दो ले ली और एक डकी से भी खरीद ली डी वो बाकी जेबन खरीदी है या वीडियो के बाद ये लो भाई वीडियो बन गई है वापिस ले लो ऐसा तो नहीं हुआ बाकी नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है मैं डकी से मैंने कहा था कि गाड़ी मुझे दे दो कहता है वैसे शुगर लगा लेते हैं मैंने कहा नहीं शुगर का फायदा नहीं है क्या फायदा एक वीडियो बना लेंगे तो इसे कहते हैं मुझे ही दो तो वो वैसे भी उसको उसने गाड़ी बेचनी थी उसका प्लान था कितने तो की खरीदी आपने डक्की से कितने की खरीदी डक्की अब ये थोड़ा सा पर्सनल है कि जितने की की उसने ली थी, उसने की उसने ली थी उतने ही उसे अच्छा नुकसान नहीं हुआ। नहीं हुआ नुकसान इसको दिया नहीं दिया हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मैंने इतने की ली तो फिर पीछे वाले भी जो स्टेटमेंट्स लगाऊंगी वो भी इनवैलिड हो सकती हैं तो मैं इसको नहीं नहीं बताएं लेकिन डक्की से जितने की उसने ली आपने भी उतने की लिए वाह वाह क्या बात है क्या बात है अच्छा आपने दो ले ली हाँ आई एट भी ली बी एमडब्ल्यू भी ली भी ली है अभी और... कितनी गाड़ियाँ अभी तीन हो गई तीन है टोटल हाँ। गाड़ियाँ कितनी तीन है अभी एक और आ रही है कौन सी कॉर्बेट सी एट अच्छा ये कौन हाँ। सा ब्रांड है ये कॉर्बेट कॉर्वेट अच्छा हाँ। खैर मुझे इतना गाड़ियों का पता नहीं है हम तो ये कल्टस करोला

क्या है नाम कैसे पड़ गया क्या सिलसिला था ये कोई आपके पीछे से कास्ट है या क्या है फिर मुझे यूके में जो मिले ना मेरे जो आपको पता है जब कोई बंदा जाता ना प्रदेश तो पेपरों का मसला बन जाता है तो 2018 में मुझे मिले गए पेपर शेपर यूके के पके अच्छा। तो उन्हीं दिनों में वापस पाकिस्तान आया सही तो पाकिस्तान में आया तो नानी मेरी माशाल्लाह बड़ी ए उनकी बातें बड़ी लोगों को पसंद थी तो मैं नानी को मैंने कहा नानी आज मैंने आपको लाहौर लेके जाना है आपको आपको मैंने पिज़्ज़ा खिला के आना है तो तब उस उन दिनों मैंने पहली गाड़ी ली थी हुडा से विक तो उस खुशी में गाड़ी की खुशी में मैंने कहा सबसे पहले मैंने ट्रिएट जो है ना अपनी नानी को देनी है तो नानी ने कहा चलो पुत्र मैंने खुआर पिज़्ज़ा तो नानी को मैं लाहौर लेके आया और हम रहते थे हाफिज़ाबाद तो नानी को मैंने पीछे बैठाया तो नानी को मैंने सीट बेल्ट लगा दिया तो नानी के ऐसी शुगर में मेरी सिस्टर ने एक वीडियो बना दी नानी ने नानी ने नानी ने कहा कि इनू ला सील्ड बैल् पादियाँ ने जिड़िया दो नंबर कुड़ी होंदिया जज जाने घरों ऐसा वो पादियाँ ने मैनू ला दी मैं नहीं भजना कितने <laughs> तो ये वाली वीडियो ऐसी मेरा टिकटॉक चैनल था उस पर मैंने अपलोड कर दी तो वो जनाब मैं सुबह उठा तीन चार लाख व्यूज उसके ऊपर आ गए वेरी गुड और एक फेसबुक पर किसी किसी चैनल था उसने डाली उसको पाँच मिनट व्यूज उसके ऊपर आए ये मैं बागतव नानी के पास गया मैंने कहा नानी ये मौका नहीं हमने छोड़ना <laughs> नानी कहती की मतलब तेरा मौका नहीं छड़ना मैं बस तू तो हूं जो बोलना है मैं पाई आना है। बस मैं नानी को तंग करना तंग कर करता तंग करता वो बोलती थी वीडियो डालता था तो उन लोगों को बड़ी पसंद आने लगी वीडियोज बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली माशा में दावत बुला दावत बुलाने लगी लोगों को बड़ी बड़ी ना, नानी से मोहब्बत हेमतने लगी हेमत सुन लगे नानी नानी के फैंस बढ़ने लगे बस इसी तरह से नानी से नानी नानी का अब इंतकाल हो गया कैसे थोड़ा सा ये बताएंगे आप कैसे होंगे नानी बस अपना मैंने बचपन से नानी के साथ रहा हूँ अच्छा हाँ जी अब आपकी हाँ मैं जब चार साल का था तो मैं नानी नानी मुझे लेगी थी तो जब पंद्रह साल की उम्र तक मैं नानी के सास होया हूँ तो याद करें मैं आप अंदाजा करें कि मुझे याद है कि तब लाइट नहीं थी इतनी होती दो से पहले पहले इतनी लाइट का बड़ा इशू होता था पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत मतलब लोड शेडिंग में बत्ती आती बातें तो रात को लाइट चल जाती थी नानी पक्की से मुझे हवा देती थी ऐसी रहती हिस रात और पक्की अगर टूट जाती थी तो वो अपनी चादर से इस तरह करती थी साह सही रात मुझे कि मेरा जो दो ना उसको नींद सही याद है मुझे भी नींद आना है फिर वो दिन टाइम सोती थी मैं रात को सोता था क्योंकि मैंने जाना था स्कूल जाना था, था। तो वो ये नहीं कितना मेरा नानी का नानी का पास में प्यार था हमारा क्या बात है क्या बात है भाई अल्लाह उनको रहमत में जगह दे अच्छा यूट्यूबर्स अपने आप को बुलाना पसंद करते हो आप कि ये मैं यूट्यूबर हूँ टिकटॉकर हूँ या कंटेंट क्रिएट क्या बुलवाते हो अपने मैं हाँ सिर्फ नदीम मुबारक हूँ नदीम नानी वाला नदीब मैं, मैं सिर्फ फन लगाता हूँ शुगर लगाता हूँ मैं चैलेंजेस देता हूँ लोगों को जो मेरे चैलेंजेस पूरा करते हैं मैं उनको आईफोन देता हूँ बात है ऐसा तो नहीं है कि आईफोन आप मतलब दे रहे हो वीडियो की हद तक और उसके बाद ना मिल रहा नहीं नहीं जिनको मैं चैलेंज देता हूँ

और मेरी तो बड़ी रिस्पेक्ट करता है मैं भी बहुत एडमायर करता हूँ तो डकी के हवाले से आप कुछ बताना चाह रहे थे नहीं डकी के हवाले से ये है कि डकी मेरा भाई भी है भाई भी दोस्त भी है दोस्त दोस हम सोए इकट्ठे हैं हमने खाना कटा खाया है सोए अलग अलग बिस्तर पे एक ही बेड में सोए हैं हम नहीं करे हैं। भाई हैं है। तो, तो हाँ, भाई है दोस्त भाई है भाई हाँ। भाई कह गई तो फिर वो नहीं नहीं हम दो हमारा एक बड़ा गहरा गहराई गहरा गहरा तल्लुक है नहीं, गहरा ना बोले इस चीज भाइयों वाला गहरा था हाँ ये बोले बस <laughs> दिल ही गहरा गहराई गहराई वाला तल्लुक है भी गहराई होती है भाई हाँ भाइयों वाला हमारा तल्लुक है डकी का मेरा और uh, मैं उसकी माशा देखी थी पॉडकास्ट आपके आपके हाँ, पास मेरे पास हाँ, हाँ तब मैं भी कराची में ही था बिल्कुल बहुत हाँ, अच्छी अच्छी बातें करके गए थे हाँ हाँ बड़ी अच्छी बातें की थी इवन की आपको याद है उसने कहा था कि एक टिकटर ने मुझे कुछ लगा दी थी हाँ 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 याद है आपको बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो असल में हम बैठे थे स्ट्रिक स्टूडियो बहरेटॉन में हाँ हम कुछ हम बोले तो आप भी बैठे मैं और रकी दोनों बैठे हुए थे आपकी भी कुट लगी नहीं नहीं अल्लाह माफ करे हमें किसी ने कुट लगा के वहां पे मैं बैठा था तो स्टीक स्टूडियो से किसी ने मुखबरी की अपना एक टिकटॉकर था एक टिकटॉकर था हारिस अली नाम था उसका अच्छा हाँ उसको कुछ रंजश थी कि मुझे लकी ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया रोस्टिंग किया है तो उसको किसी ने मुखबरी की तो वो आ गया वो असल में जा रहा था शादी पे अपने कुछ दोस्तों के साथ तो वो वहाँ स्टूडियो के बाहर आ गया अब उसको ये नहीं था पता कि मैं वहाँ बैठा हूँ तो उन्होंने डकी शकी को जो ना बाकी कुश्लू तो लगानी थी तो मैं बाहर आ गया मैंने कहा भाई क्या मामला उन्होंने कहा भाई हमें इसने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त तो हम हमें से इसने अपोलोजाइज इस नहीं की तो आज हमने इसको तोड़ देना तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम डक्की को तोड़ोगे तो मैं तुम लोगों को तोड़ दूँगा क्योंकि डक्की से जंग होगी तो फिर नानी वाले से जंग होगी वाह बात वो करो जो मिलती जुलती हो आप सामने आ हाँ, मैंने कहा मैं, उन्होंने कहा दीवार हाँ, बन उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाओ मैंने कहा पहले डकी से पहले मुझे कूटो हाँ, आपका आंख मेरे को पता चला है, यूटी में खुली थी मैं कर रहा नहीं नहीं मैंने उनसे कहा कि भाई उन्होंने कहा आप चले जाओ यहाँ से मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा मैं तो यहाँ बैठा मेरा भाई अंदर बैठा हुआ है सही है ठीक है तो उन्होंने कहा कि यार मैंने कहा सूरज सफाई वाली बात करो उन्होंने कहा कि ठीक है यार आप भाई हो हमारी कम्युनिटी से हो कोई मसला नहीं आप उन डक्की से कहो कि यार एक वीडियो शीडियो बना दे कोई माफी तलाफी वाली तो मैंने डक्की को कहा यार आप एक वीडियो शीडियो बना दो कि यार मैंने आपको जो वीडियो शीडियो बनाई थी तो अगर आपको दिली दिल हो तो मैं आपसे मौसम करता हूँ तो वीडियो होके मैन माटर किसी को टूटनी पड़ी कुछ नहीं हुआ ऐसा मैटर शैटर सब हो गया था वाह तो ये आपने बीच में पैचअप करा दिया हाँ मैंने बस पैचअप करा दिया बहुत अच्छी बात है वाले ये तो बहुत फहर की बात है यार इसमें तो मैं बजाता हूँ देखें ये बात पता है क्या दो मुसलमानों के बीच में भी

अच्छा मतलब ब्रदर के एक था यूट्यूबर ठीक है वो काफ़ी जो है ना वो डक्की और फैमिली को पर्सनली अटैक कर रहा था तो डक्की ने मुझे कहा डक्की को काफ़ी अपसेट था तो उसने कहा कि यार थोड़ा सा ये इशू बना हुआ है तो मैंने उस बच्चे को समझाया कि यार आप इस मत करो भाई है मेरा अभी भाई हो तो इस तरह मत करो तो बस वो थोड़ा जज्बात में आके तो उसने कहा जी मैंने करना है आपने जो करना है कर लो तो मैं एक दफ़ा उसके पास गया उसको समझाने बदला ब्रदर को तो वो नहीं माना मैं दूसरी दफ़ा गया तो बस वो हाथापाई हो गया हम गाड़ी के अंदर ही अच्छा आपकी लड़ाई हो गई मेरी लड़ाई हो गई साहब मैंने कहा कि यार मैं आपसे पहली दफ़ा मिलकर गया हूँ मैंने आपको समझाया कि यार ये मत काम मत करो दूसरी बार आया हूँ तो आपने फिर वीडियो आप वो अपलोड कर दी इस तरह मत करो तो फिर गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए थे तो वहाँ पे हाथा पाई हो गए तो डी शकी के अंदर हाँ डी शकी ने ऊपर से फ़ोन कर दिया उसके इसको छोड़ना नहीं मैंने इसको मुकल कर देना ये कर देना वो कर देना तो मैंने उसको कहा कि यार इस तरह नहीं होता आप रिलैक्स रहो रिलैक्स रहो तो उन्हीं दौरान फिर वो मेरे ऊपर एफ़ आई आर होगी तीन सौ पैंसठ की गवाह की अच्छा तो मैं उन लोगों ने करवा दी उन लोगों ने दी मैं फिर दो दिन थाने में रहा खून निकाल दिया है खून निकाल दिया था नहीं अपना हाथापाई होगी बस एक दूसरे तो 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 को हाथापाई नहीं नहीं गली ग्लोज वगैरा जो होता है आपके बिहार आप क्यों कर रहे हो एम एल ओ होता है ना वो एम एल ओ

तो इस तरह से फिर लेटेड जो है ना वो अपना डक्की शक्की का फिर पापजी का कन्डक्ट भी कैंसिल हो गया तो अच्छा ये वो आर्टिकल्स आ गए कि लोग लोगों के अंदर ये स्टोरी डेवलप हो गई कि बदला बदला किडनैप हो गया और डक्की ने करवाया और नानी वाले ने किया तो वो एक्चुअल में स्टोरी यही थी कि मैं बीच में सुलह करवा रहा था और आप रगड़ा 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 मैं रगड़ा मैं हाँ रगड़ा मैं गया तो मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो गया आप एक तो काम भी तो, भी तो तो कांड आप ऐसे मुश्किल मुश्किल कर जाते हैं पड़ते हैं क्या करें <laughs> आप भाई बन तो खाने तो पड़ते हैं जेल का एक्सपीरियंस कैसा थाने में रहा हूँ जेल नहीं गया थाने में अच्छा प्रोटोकॉल था ऐसा कोई इशू नहीं हाँ क्यूँकी बिस्तर लगा दिया बिस्तर में सोया फेक पर्चा था जूठा पर्चा था सैटरडे संडे था तो जमानत नहीं हो सकती मंडे को ज़मानत हो गई पक्की क्योंकि उसने बयान दे दिया कि ये मेरा जूठा पर चा करवाया मैंने तो इस तरह से फिर अपना आगे आगे यूट्यूब चैनल पर लोगों के अंदर थोड़ी डिवेल्प हो गई कि मैंने किडनीप किया है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से काउंटर जो है वो फाइट की मैन्यल डकी ने तो कि भाई हमने ऐसा काम नहीं किया मैं अपनी गाड़ी में गया था तो लोगों को यकीन आ गया कि भाई ये नानी वाले ने काम नहीं किया तो वो मेरा चैनल डिलीट होगा यूट्यूब का आपस में क्योंकि मैंने बदला बदल का नंबर लीक कर दिया उसने भी मेरा नंबर लीक कर दिया तो इस चक्कर में मेरा यूट्यूब ने चैनल उठा दिया अच्छा लीक करने पर तो जो बदलास एक साथ मिल सा लड़ा, के रहे पाकिस्तान है किसी और के लिए क्या ख्याल है ऐसे बिल्कुल ऐसे लड़ना चाहिए, लड़ने चाहिए अच्छा नानी वाले भाई आप YouTube पे भी हैं Facebook पे भी हैं Instagram पे भी हैं TikTok पे भी हैं इनमें सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है आपको

टाइव में किस नोयत के हैं लेकिन वो भी तो, हर जैसे कोई तो नहीं अपना होगा। ये जैसे अपना शाम हो गया जैद अली हो गया मिस्टर पतलू है इतनी कमाई यूट्यूब में नहीं है जितनी टिकटॉक लाइव के अंदर है तो जब ये शाम वगैरह अच्छा चला वो सिस्टम तो वहाँ पे उनको जरूरत नहीं है यूट्यूब बनाने की क्योंकि उनका अच्छा क्योंकि वहां भी उन्होंने यूट्यूब बना के पैसे ही लेने हैं तो वहीं भी उनको अगर मिल रहा है अच्छा पैसा तो उनको जरूरत नहीं है वहाँ पे टाइम स्पेंड करने की हाँ। बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अच्छा और फेवरेट आपका कौन सा है प्लेटफॉर्म जो आपको पर्सनली पसंद है मैं मुझे तो टिकटॉक पसंद है टिकटॉक हाँ मेरा अच्छा क्योंकि मैंने तो मैंने सोशल मीडिया से ना कभी पैसा कमाया है अच्छा हाँ, मैंने कभी मैंने मैंने सोशल मीडिया पर आप ये कह लें कि लगाया है मैंने पता नहीं कितने कितने लोगों को दुबई के ट्रिप दिए हैं मैं कितने मैं लोगों को आईफोन दिए हैं दुबई से कहाँ कहाँ लोगों को किया है लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि मैंने जितने लोगों के साथ भाइयों की तरह चला हूं ना उन्होंने एंड पे आकर मुझे डसा है इस चीज का मुझे पता दो आप नादिर अली से बहुत लेट मिले अच्छा मैं आपको पता आप वो मतलब क्या बताए मैं सांप छोड़ के उन लोगों को मारा जाए जिन्होंने डसाया बहुत डसा, डसा मुझे क्या ख्याल है कसम से ये तो है ना देखें नानी वाले बात यह है कि एक अच्छे फलदार पेड़ पे ही पत्थर मारे जाते हैं ये एक पॉजिटिव वे है आप कुछ हैं तो लोग आपको कर रहे हैं और अच्छा कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह जब हो जाती हैं तो वो क्या दिल पे ले, ले लेते हैं या क्या है? ले ले आता है मुझे सोशल मीडिया पूरा मैं नहीं नहीं मुझे सोशल मीडिया का इतना नहीं है मैं अपने फ़न के लिए यूज़ करता हूँ ठीक है तो मैं शुगर लगाता हूँ बस मेरा मकसद होता है कि लोग मुझे देख के मुस्कुराएं और लोग मुझे देखें कि जब मिलते हैं मुस्कुराते हैं मुझे मुझे बड़ी खुशी होती है मेरा आपका ऐसा सीन नहीं है कि मैं लड़ता हूँ किसी से मैं लड़ने वाला सीन नहीं है लेकिन मुझे मशक चीज़ का दुख रहता है कि यार लोग मुझे डस जाते हैं बस चलें कोई बात नहीं बात यह है कि आज हमारी पॉडकास्ट के तवज़त से आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे टिकटॉक कम्युनिटी में कौन पसंद है टिकटॉक कम्युनिटी में टिकटॉक कम्युनिटी में सबके लिए रिस्पेक्ट है उस नज़र से मैंने मैं नहीं देखता कि मुझे कोई पसंद है खूबसूरत कौन लगता है टिकटॉक में कम्युनिटी में टिकटॉक कम्युनिटी में माशाल्लाह सारी लड़कियाँ अच्छी हैं सारी खूबसूरत हैं इसमें कोई दो राय नहीं है नदीम लाने वाला थोड़ा सा शाय हो रहा रहा है बता नहीं <laughs> लेकिन ठीक है अगर आगर 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 नहीं तो हाँ। आप बता देनी चाह रहे सारी लड़कियां खूबसूरत हैं कंट्रोवर्सी बन जाती है मैं इसलिए थोड़ा सा भाई मेकअप में अच्छी है बगैर हाँ, मेकअप अच्छी है हर तरीके से अच्छी है बात यह है अच्छा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में अपने आप को देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं क्या है हमारा मैसेज तो मैं एक साल में ज़्यादा टाइम जो ना पाकिस्तान में रहता हूँ अच्छा हाँ लाहौर मेरी फेवरेट जगह है लाहौल रहता हूँ हाँ राय के साथ ही माशाल्लाह वहीं गश बना रहे हैं और ईद के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में ताकि लोगों को कुछ सही सिखाया जाए कुछ करवाया जाए लोगों से पाकिस्तान में अभी सही नहीं सिखाया जा जाए लोगों से बस लोगों को लूटा जा रहा है मार्केट में पक्की बात पक्की बात है लोगों को लोगों से कि कोई कह रहा है मैं पचास हज़ार का तुम्हें कोर्स दूंगा कोई कह रहा है मैं तुम्हें एक लाख का कोर्स दूंगा दे के लोगों को बस लूटा जा रहा है लोगों को कुछ नहीं मिल रहा और जो लोग कोर्स बेच रहे हैं उन वो एक्चुअल में ऑन ऑन कुछ नहीं करते वो उनके कोई स्टोर्स नहीं है उनके कोई स्टोर्स नहीं है वो सिर्फ यूट्यूब से थोड़ी बातें सीख के लोगों को बुलश करते हैं और लोगों को लूट रहे हैं और बेचारे लोग लो पिस रहे हैं बिल्कुल ठीक है अगर आप लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं और पॉजिटिव उनके लिए रखा हुआ है जहन तो बहुत अच्छी बात है हाँ लोगों को कुछ बढ़ा नहीं चीज़ आपने सीखी है वो सिखाई जाए और ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार लम्हा कोई ऐसा जो शेयर करना चाह रहे हो यार ये बहुत यादगार मोमेंट है आप तो ऐसे हैं इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है यादगार लम्हे वहीं रह जाते हैं मेरे के मैंने जब जिस बंदे पर जान लड़ा दी हो और उसने कहा हो कि यार मैंने इसे नहीं मिलना वो बस यादगार वो ये यादगार लम्हे रह जाते हैं बस अच्छा जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल डिलीट हो गया तो कितने सब्सक्राइबर्स छः लाख तो वो मैंने अपना चैनल डिलीट करवा दिया डक्की के लिए ड़की के डक्की के लिए जान लड़ा दी उसके ऊपर तो उससे उससे मैंने कहा कि उसने मुझे कहा कोई बात नहीं इन ताला ये तुमने हम विन कर चुके हैं फाइट हाँ ठीक है तो इन शाला ये हम मैसेज ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे मैं दस से ग्यारह महीने उसे ऑफन पूछता रहा कि कुछ करें कुछ करें चक्करबाजी पे चक्करबाजी चक्करबाजी पे चक्करबाजी एक दिन एक लड़का था हसान हमीद एक यूट्यूबर था नया नया लड़का भी अच्छा वीडियोज़ बना रहा है तो वो उसके साथ मैं डक्की के पास गया मैंने कहा यार एक साल गुजर गया है कोई तो वीडियो नहीं बनाई हमने ना मेरा चैनल की वो जो आपने कमिटमेंट की थी पूरी हुई तो उसने कहा कि यार मैं अब अप अपनी वाइफ़ के साथ आता हूँ अब मैं तुम्हें नहीं ले सकता उस दिन मेरा बड़ा दिल दुखा कि मैं अब वाइफ के साथ हूँ बस तुम्हें नहीं ले सकता बस तो उसने मेरा दिल बड़ा दुखा ये लम्हे मुझे याद रह जाते हैं जैसे मा सफर की बात कर लें कुछ नहीं था इसके पास लाहौर आना मेरे पास रहना मुझे फ्लाइट बुक कर दो मेरे घर रहना सोना मेरे घर आके मेरे मुझे मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले देना और टिकट बनाए मैंने कहा ना यूट्यूब बनाओ यूट्यूब की जिसकी पहली दो वीडियोस में मैं आऊँ और यूट्यूब के बनाओ इनको मैंने कहा मा सफर को माशाला वायरल हो गया पैसे कमाने लगा मैंने भाई भाई भाई, भाई 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 पैसे और आने आने लगे इसके पास दुबई में मैंने कहा गाना शूट करते हैं दुबई चले गए वहाँ पे दुबई आके मेरा गाना जो शूट करना था किसी और के साथ शूट कर लिया और वहाँ पे अपना मुझे बोल दिया कि यार सॉरी आपके साथ शूट नहीं कर सकता मुझे लोगों को पता नहीं क्या कहेंगे तो ये चीज़ें याद रह जाती हैं नहीं, नहीं, ये दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं डकी भी और माज भी दोनों सुन रहे होंगे ये गिला नदीम नानी वाले का है आपका अपना यार है इस गिले को दूर करेंगे इनशाला कोई ऐसी बात हाँ, नहीं मैं तो उनको उनको कहता हूँ कि मैं आपका भाई आदमी हूँ हाँ, मुझे इस तरह से ट्रीट ना करो यार मैंने आपके लिए जान जाने दी है आपके लिए तो इस मत करो वो इस बात को नहीं समझ रहे नहीं नहीं आप समझ जाएंगे इन मुझे उम्मीद तो है कि दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है आपकी फीलिंग जाहिर है जो आप बोल रहे हो मुझे उम्मीद है वो वो समझ जाएंगे जाएं। हाँ। 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 का हाँ। अन शादी ऑफिस दफ्तर भी खोल रहा अच्छा आप शादियाँ कराओ लोगों की मैं इस तरीके के कामों में भी आ रहा हूँ भला करो सिलसिला ये है आप जाहिर है इतना सब कुछ बांट लें कोई ऐसी धमकी या कोई ऐसा वारदात कराची में तो यहाँ तो नॉर्मल सी बात है आप घूम रहे हैं बगैर गार्ड के तो कोई ऐसा वाक्य है कराची का वाक़ कराची का वाक़ यह है कि यार एक लड़का जो मेरे पास आता था मेरे घर रहता था मेरे घर सोता था जिसको मैंने कहा कि आप यूट्यूब बनाओ वो फेमस होने लगा वो दुबई आया मेरे पास अपना वहाँ पे हमने कुछ शूट करना था नहीं हो पाया मैं नीचे गया हुआ था तो वो वहाँ उसने कमरे की सारी वाइन्स पी दी इतना वो शराबी था मैं क्या बताऊँ मुझे से, से, से कोई लेना देना नहीं कि वो शराबी है स्मोकर है उसने होटल्स के, के सोफे तक जला सिगरेट पी के बुझाता मशहूर यूट्यूबर, यूट्यूबर।, मशूर। मशूर यूट्यूबर। पीता सिगरेट है सोफे पे उसको जला लीक है उसके बाद सोफे और वहां पे पार्टी कर अब वहां पे मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया वहाँ पे दूसरा मशहूर यूट्यूबर भी था सही है। ठीक है वहाँ पे शुक्र मेला चल रहा था मैं ऊपर आया मैंने उसको कहा कि यार सोफ़ा भी जला दिया उसका भी सात हज़ार दरअसल मुझे पड़ गया है ठीक है और ऊपर से अपना ये सिगरेट पी अपना सोफ़े जला दिए हैं ये पार्टी चल रही है ये क्या चल रहा है यहाँ पर तो उसने कहा यार इतना तो इतना तो बनता ना हमारा मैंने उसको दो तीन गालियाँ दी तो एक और यूट्यूबर था यूके वाला उसने फिर मामले को कोल ढूंद करवाया ठीक है तो उस बंदे को यूट्यूबर को वो था क्राची का उसको पता ये चला कि जब वो पार्टी कर रहा था दूसरे यूट्यूबर के साथ तो उसकी वो वीडियो उसको रिकॉर्ड कर लिया गया अब उसके माइंड में ये स्टोरी डेवलप होगी कि वो जो उसकी वीडियोज़ हैं वो सिर्फ एक ही बंदा डिलीट करवा बंदे से नदीम नानी वाला अब उसने मुझे चक्करबाजी डाली कि अपना जो तुम मैं जा रहा था लंदन कराची से तो उसने कहा कि मुझे मिलके जाना है मैं तुम्हारे पैसे भी देने हैं मैंने तुम्हारे जो दुबई में तुम्हारा एक्सपेंस है ना वो भी मैंने देना है तो मैंने कहा कोई मसला नहीं मेरा वहाँ स्टॉप है छः घंटे का वो वहाँ दो डाले लेके आया विगो कराची एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने आके मुझे कहीं नैप लिया वहाँ पर और उन्होंने मेरी वहाँ पर ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई अपना गन पॉइंट पर कि जनाब अपना वादा करो कि वो वीडियो तुम्हारा दोस्त उसका भी रिलीज़ नहीं करेगा तो मैंने कहा कि यार वो कल को रिलीज़ करे ना करे लेकिन मेरे पास नहीं है मेरी तरफ़ से नहीं आएंगे ठीक है आपकी अयाशी वाली वीडियो कल को अगर अगर आएंगी मार्केट में तो वो मेरी तरफ से नहीं आएंगी तो मुझे ये भी बड़ा दुख है कि उसने मुझे किडनैप करके मेरे से जबरदस्ती वीडियो बनवाई वो पहला बंदा था जो मेरे घर आके रहा सोया और उसने मुझे किडनैप करके मेरे से मेरे से जबरदस्ती वीडियो बनवाई मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है तो इस तरह लोगों ने साथ किया यार दुखी तो इसका बनता है ये जितना जाहिर है ये बातें बता रहा है जो नदीम हमारे पुराने मोहल्ले में ना प्रचून का नाम था नदीम बार बार ना मेरे जहन में वो आ रहा है आपका नाम ले रहा हूँ तो वो आ रहा है और एक हमारे पुराने डायरेक्टर थे नदीम उस्मानी वो भी आ रहा है तो नहीं नहीं नदीम आप डिसार्टेड हो लेकिन इसमें ये है कि हम आपके लिए दुआ गो हैं जो लोग यूट्यूब कम्यूनिटी से कम, टिटा कम्युनिटी से यूट्यूब कम्युनिटी से जो लोग लोगों की नज़रों में बड़े अच्छे बने हुए हैं बड़ी बड़ी छोड़ते हैं बातें हकीकत में वो क्या है मुझे मेरा खुदा जानता है मेरे सीने में बड़े बड़े राज हैं जिस दिन नानी वाला फट पड़ा पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा तो मैं उनको यही कहता हूं कि यार मुझे ना फटने दो फट मुझे फट इस तरह मुझे इस तरह ट्रीट ना करो मैं आपका भाई हूं मैंने आपके लिए क्या क्या गंवाया आप फटोगे तो उनकी फट जाएगी भाई तो वो ये चीज समझ नहीं आ रहे वो आगे से वो आगे से किडनेप करने की सोचते हैं वो आगे से जबरदस्ती करने की सोचे लेकिन उनको ये नहीं पता कि नानी वाले को अगर वो दबाएंगे तो वो आप लोगों को दबा देगा ये उन चीजों को लोगों को उन, उन बंदों को ये चीज़ें समझ नानी वाला बहुत मजबूत जरूरत है है ये ये हाँ। ये बात हाँ। है। ये मैंने हाँ। फील किया हाँ। कि और जिन लोगों ने मैं ज्यादा की है उन्होंने आन कैमरा ही लोगों को बोला हुआ है कि नानी वाले आपके लिए वो भी कर देगा जो आपने सोचा नहीं नानी वाला इतना अच्छा लड़का है वो आपके लिए वो भी कर देगा जो आपने सोचा नहीं और जब वो कर देगा उनका काम निकल जाएगा उनका काम हो गया बाद में चक्कर वेरी गुड बाद में, में अच्छा फिल्मों ड्रामों में से कोई ऑफर नहीं मुझे शौक नहीं चीज़ों का मैं अच्छा। के हाथ तक फन करता कोई कोई, आपको कोई नहीं। प्लान कोई नहीं, 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 पर... पर... नहीं, नहीं। मशवरा क्या देंगे जाते जाते यंगस्टर्स को क्या मशवरा देंगे बेचारे परेशान हैं जाने का किराया भी नहीं है पेट्रोल डलाने का बाइक में किराया नहीं है पर अपना पैसे नहीं है और कपड़े भी फैड हो गए हैं टी शर्टें फैड हो गई हैं और वो पहन के घूम रहे हैं बेचारे जाहिर है अर्निंग्स की प्रॉब्लम है क्या मशवरा देंगे यंगस्टर्स को पाकिस्तान के को मेरे ख्याल से नोट जो है ना वो पहली तो चीज़ ये है कि लोगों के माइंड में ये एक चीज डेवलप हो गई कि हमने एजुकेशन नहीं लेनी और एजुकेशन नहीं, लेनी नहीं लेनी मेरे ख्याल से एजुकेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे तो एजुकेशन आपके पास इतनी जरूर होनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझने लगो कि मैंने इस चीज़ को समझ के आगे करना क्या है और दूसरी बात ये है कि अपना अगर आप अपनी जॉब पे जॉब जौप से खुश हो अगर अल्लाह ने आपको खुश रखा आप, आप, है आप, आपको अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं आप कंटिन्यू करो अगर आप कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट वही है कि ई कॉमर्स पर आ जाओ ई कॉमर्स ई कॉमर्स पर आओ आप अपना ऑनलाइन यू से बैठ के पाकिस्तान से बैठ के यू में अपना स्टोर्स बनाओ अमेज़ॉन का आप अपना ई का स्टोर्स बनाओ अमेरिका के अंदर यूके के अंदर ठीक है बहुत इजी है आप अपना शॉपिफाई पे स्टोर डेवलप करो आप पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा बेचो कुछ गजट लगाओ कुछ ज्वेलरीज बेचो लोगों को कुछ ना कुछ बेचो क्योंकि पाकिस, पाकिस्तान जो है वो भी आस्था आस्ता टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है और फ्यूचर में क्यामत से दो दिन आ, पहले तक क्या कहीं नहीं क्यामत से दो दिन क्यामत से कह लेंगे दो साल पहले तक ये मैं बता तो है। यही है कि इकमस करो पैसा टेक्नोलॉजी आ जाएगी पाकिस्तान में और उसके बाद ना एटमी जंग हो जाएगी और नहीं पाकिस्तान तरक्की करेगा बहुत द बेस्ट और जाते, जाते जाते वो बता दें कि फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है डेस्टिनेशन फेवरेट मेरी सर दो ही जगह अच्छी है मुझे पसंद है कौन सी जहाँ पे मुझे रहने का भी मजा आता है और स्पेंडिंग का भी मजा आता है वो है जे बी आर दुबई और लंदन दोनों अच्छी दोनों जगह अच्छी मिलेगी दोनों बहुत अच्छी जगह माशाल्लाह दोनों में गुड है बेहतरीन नानी वाले भाई खुश रहें आबाद रहे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आप में इतने बिजी इसकेजुअल में टाइम निकाला आप आए आप आपका, दारार। आपका दारार। आने का बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद खावीन व हज़रा इस पॉडकास्ट को यहाँ अखदाम करेंगे इस दुआ इस यकीन इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और नदीम नानी वाले को दीजिए इजाज़त